नमस्कार दोस्तों, उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन में ट्रेनें शुरुआत कल से हो जाएंगी, जिसके लिए बुकिंग IRCTC वेबसाइट पर खुल चुकी है। साथ ही काउंटर जो रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर रहते हैं, वहां से भी आप इसका आरक्षित टिकट बुक करा सकते हैं। अनारक्षित का किराया इसका 110 रुपये है स्पेशल गाड़ी का, और AC थर्ड AC का किराया 505 रुपये, चेयर कार का किराया 445 रुपये और स्लीपर का किराया 205 रुपये उदयपुर से असारवा का है। और इसके बाद में हम बात करें तो उदयपुर से डूंगरपुर का स्लीपर का किराया 145 रुपये, चेयर कार का 265 रुपये और AC थ्री टीयर का मिनिमम किराया 505 रुपये ही है। यह उदयपुर से असारवा तक किसी भी स्टेशन तक आप जाएंगे तो यही किराया देना होगा। वहीं उदयपुर से हिम्मतनगर का स्लीपर का किराया 165 रुपये और AC चेयर कार का 360 रुपये रखा गया है, और यही किराया उदयपुर से असारवा और असारवा से उदयपुर के बीच में वसूला जाएगा। जो रेगुलर ट्रेन चलेगी उसमें भी यही किराया शो हो रहा है। जनरल का टिकट लगभग 110 रुपये उदयपुर से असारवा का है, और यह हर स्टेशन के लिए अलग अलग होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो बुकिंग है उदयपुर से असारवा तक की ट्रेनों के लिए शुरू हो चुकी है। असारवा से उदयपुर के लिए दोपहर में शुरू हो जाएगी, इसके बारे में पश्चिम रेलवे के द्वारा सूचना दी गई है। वहीं जो जयपुर असारवा गाड़ी है उसकी भी बुकिंग जल्दी शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। जो जयपुर असारवा और असारवा उदयपुर गाड़ी है 1 नवंबर से अपना रेगुलर रन शुरू करेंगी, तो उसके लिए भी बुकिंग खुल चुकी है उदयपुर से असारवा के लिए, जिसके लिए यात्रियों ने अच्छा प्रतिसाद दिखाना शुरू कर दिया है। जो उद्घाटन स्पेशल है उसके स्लीपर कोच की बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि यह उद्घाटन स्पेशल गाड़ी फुल चलेगी, और जो रेगुलर गाड़ी रहेगी वह भी अच्छा प्रतिसाद यात्रियों का पाएगी। और जो दूसरे ट्रेनों से लिंक इसका किया जाए, बड़ी सादड़ी से लिंक होने की भी मांग आ रही है कि बड़ी सादड़ी से असारवा के लिए कनेक्शन उदयपुर में मिल जाए, तो थोड़ा टाइम टेबल में संशोधन किया जाना जरूरी है। इसके बारे में रेलवे को विचार करना चाहिए। तो CP जोशी जी जो सांसद महोदय हैं, वे रेल मंत्री तक इस बाबत बात पहुंचाएंगे। ऐसी बड़ी सादड़ी की जनता ने उम्मीद की है, और आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या संशोधन इस टाइम टेबल में किया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की गुंजाइश यदि रहती है तो बड़ी सादड़ी से अहमदाबाद की कनेक्टिविटी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें, हमारे साथ बने रहें। हम आज आपको पूरे दिन भर इसके बारे में कवरेज दिखाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।